छत्तीसगढ़ के पेलीमेटा क्षेत्र के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सालेवारा नर्मदा मार्ग में चक्का जाम कर दिया है। आपको बता दें कि ठाकुर टोला में नवीन धान उपार्जन उपकेंद्र खोले जाने को लेकर बीते 5 दिनों से किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान गत 30 नवंबर को धरना प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी कर चुके हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन करने की मंशा से एक बार फिर 2 दर्जन से भी अधिक गांव के किसान पेलीमेटा में एकत्र हुए। प्रदर्शन स्थल पर किसानों ने धान बिक्री के संबंध में अपनी समस्या, असुविधा और मांग को प्रशासन के समक्ष रखा। किसानों ने बताया कि पेलीमेटा धान खरीदी में पंजीकृत किसानों की संख्या अधिक और दूर से आने के कारण किसानों को अपनी धान बेचने में काफी परेशानी होती है। टोकन पाने, धान बेचने और उपज को केंद्र तक लाने में बहुत असुविधा होती है। इस कारण यहाँ के किसान ठाकुर टोला में उपधान खरीदी केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं। वहीं बता दें कि सैकड़ों किसान प्रशासन के आला अधिकारी के इंतजार में बैठे रहे। किसी अनहोनी को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी रही। छत्तीसगढ़ से संवाददाता हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। पूरा मामला क्या है सर? ग्रामीण बंधु यहाँ पे रास्ते को अवरोध किया गया। सरकार की पूर्व में कोई सूचना प्रशासन को नहीं दी गई थी। अनावश्यक रूप से सुबह जो है आकर के यहाँ पे हाईवे को जाम करने की कोशिश की गई। उसको जो है उसको पूर्ण रूप से समझाया गया। इस तरह का कोई मामला है, बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बात करते हैं, बात से मुख्य को समझा रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा बात नहीं मानी गई तो उसको हटाया। सर, किसानों को जबरदस्ती बस में ले जाया गया, महिलाएं को भी जबरदस्ती ले जाया गया, उस पर क्या था? जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई है। किसानों को जो है राष्ट्रीय सुविधा जो ग्रामीण यहाँ पे आकर के NH-53 में जमे हुए थे, उन ग्रामीणों को समझाइश दी गई। समझाने के बाद बताया कि क्या उनकी तरफ से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि कोई विधिवत रूप से परमिशन नहीं था। किसानों को आज रोड जाने पर ऐसा क्या करा? राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसको बंद करने की कोई अनुमति उनके द्वारा नहीं थी, तो उसकी वजह से जो है उनको यहाँ से हटाया गया। सर, आज किसानों को रोड पे आना पड़ा, उसमें क्या कहेंगे? द्वारा में सरकड़ा सोसाइटी में उनको जो है सरकड़ा में ही सोसाइटी खोलने की मांग थी। उसका उपार्जन केंद्र वर्तमान परपटपुर में है। परपटपुर में खरीदी जो है निरंतर रूप से जारी है। उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनसे निरंतर चर्चा की जा रही है। क्या उनकी मांग जायज नहीं है? उनकी मांग पे विचार किया जा रहा है, उनकी मांग को सुना जा रहा है। उनको भी आज भी बात करने की भी बात कही थी। बस में उनके ऊपर आगे कुछ कार्रवाई होगी इस बारे में? अभी जो है जैसा है उनको अभी रखा गया है, ठीक है सर, थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.